अस्सलाम वालेकुम कुक विद सोबिस में मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़े की और इजी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अक्सर हमारा दिल कुछ स्पेशल या कुछ हैवी बनाने का नहीं होता, तो ये जो रेसिपी है ये है मूंग और मसूर की मिक्स दाल, जो बहुत कम टाइम में बनती है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। मूंग और मसूर की मिक्स दाल मैंने ली है आधा किलो, इसको अच्छी तरह धो लिया है। 3 से 4 गिलास पानी लिया है, नमक 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच कूटी लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, साबुत लाल मिर्च लिए हैं 10 से 12 अदद, ज़ीरा 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और लहसुन के 3 से 4 जो है मैंने बारीक काट लिए हैं। ऑयल लेंगे 3 चम्मच तड़के के लिए। चले स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 गिलास पानी डाल रही हूँ मैं। दाल ऐड करेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। घर के मसालों की सारी रेसिपीज़ हैं, कुछ स्पेशल नहीं मैं डालती, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े के खाने बनते हैं। आप प्लीज़ ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। सारे मसाले अभी ही मैं इसमें डाल दूंगी। ये जो मूंग मसूर की दाल है ये 25 से 30 मिनट में रेडी हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आप रोटी के साथ भी ले सकते हैं, आप चावलों के साथ भी ले सकते हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये देखिए पानी कितना अच्छा खुश्क हो रहा है और दाल गल रही है। बहुत इजी रेसिपी है ये। अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए फिर कवर कर देंगे। दस से बारह मिनट हो गए हैं, ये देखें दाल बिल्कुल पक गई है हमारी। ऑयल यहाँ पे मेरा तड़के के लिए गर्म हो चुका है। ये देखें लहसुन ऐड करूँगी जो बारीक काट लिया था मैंने। थोड़ा सा फ्राई करेंगे लहसुन को। साबुत लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। और 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह फ्राई हो चुका है लहसुन और साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा ऐड किया है और इसका तड़का लगा देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, इसको आप ट्राई करें। ये देखिए दाल हमारी रेडी हो चुकी है। धनिया ऐड करूंगी इसमें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की बनी है ये, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको ट्राई करें प्लीज़। ये देखें हमारी दाल रेडी हो चुकी है और साथ ये मैंने अचार और हरी मिर्चें फ्राई की हैं, सैलेड रखी है साथ। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करें और कॉमेंट्स में बताएँ कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। और कुछ आप फरमाइश पर बनवाना चाहते हैं तो वह भी मुझे बताएँ ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।